मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस का वो एक ड्रीम होता है कि आप पहली फिल्म में ही सुपरहिट बन जाओ और पहली फिल्म ही आपको इतना फेम इतना रिकग्निशन दे जाए और 100 करोड़ के आप क्लब में आ जाए. तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ये सक्सेस को जीना चाहती हूँ और हमेशा जीना चाहती हूँ. और कितनी मस्ती बाकी है? बहुत मस्ती बाकी है. अब तो अंदर में जाऊँगी तो फिर मैं पूरी स्टार कास्ट को मिलूंगी तो वो जो पहले की मोमेंट से पहले की जो यादें हैं वो ताज़ी हो जाएगी फॉर श्योर. तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अंदर जाऊँ और सबके साथ मस्ती करूँ. वो तो आपको इंदु जी को ही पूछना पड़ेगा कि किस हद तक जाने वाली है क्योंकि ये जिस हद तक गई है मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है. तो आई थिंक और मज़ा और गैग्स और मस्ती आ जाएगी फिल्म में. बस इतना ही. और कोई मस्ती आने वाली है? ग्रैंड मस्ती 3 आने वाली है. अब देखते हैं कि उसमें मैं हूँ कि नहीं हूँ. पर जी मैं एक्ट कर रही हूँ टीना एंड लोलो करके जो मैं और सनी लियोनी उसमें नहीं है. सनी लियोनी टीना है और मैं लोलो हूँ. तो वो करूँ मैं अभी फिलहाल करी. मैं शूटिंग स्टार्ट भी करूँ. मुझे दिवाली मुझे फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं. मुझे बीट गणपति और बीट होली और बीट दिवाली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना. तो दिवाली के लिए मैंने सोचा है मुझे शूटिंग से टाइम मिलने वाला है तो मैंने सोचा है कि मैं 4-5 दिन बहुत पत्ते खेलूँ रंगोली करूँ और लक्ष्मी जी की पूजा करूँ. तो बस ऐसे मैं दिवाली सेलिब्रेट करने वाली. बहुत ही मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मैच देखती हूँ तो सिर्फ सचिन की वजह से और अगर सचिन नहीं होंगे तो मुझे बहुत ही दुख होगा. आई मिस यू सचिन. मैं सभी दर्शकों को सभी फैंस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.